दोस्तों तो क्या हाल है आपके। आज मैं आपको ऐसे ऐसे सिंगर से मिलवाने वाला हूँ जिनको सुनने के बाद आपके कानों से कहीं खून ना बहने लगे। देखो सबसे पहले हमारे संजीव भैया स्टेज पे आते ही बवाल मचा देते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव है। संजय? संजीव। संजीव क्या सुनाने वाले हो आप? नुसरत फतेह अली साहब। नुसरत फतेह अली साहब का आफरीन आफरीन। क्या बोले? मेरे रास्ते का मार। बट अभी बोले क्या? फतेह अली शुरू हो जाए। चेक करो थोड़ा। हाँ करो करो। हाँ कीजिए कीजिए। अच्छी सूरत को सवरने की जरूरत क्या है? है बिल्कुल है। सादगी में भी कयामत की अदा होती है। मैं जरूर चाहूंगा कि सलमान अली और सनी हिंदुस्तान ये देखे और ये जान ले कि उनकी वजह से क्या क्या हो रहा है दुनिया में। यही नहीं अभी और सुनिए। करो हाथ जोड़ के मैं। और अब ये भैया जी नेहा कक्कड़ की आवाज में नेहा कक्कड़ का ही गाना उनके सामने गा रहे होते हैं। विक्रम जी आप में वो सारी क्वालिटीज हैं जो नेहा कक्कड़ में नहीं है। और अब इन भैया जी का गाना इनकी मम्मी को कुछ खास पसंद नहीं आया। और इसके बाद आते हैं इंडियन आइडल के कुछ खतरनाक अजूबे। कौन है? जवानी वो सामने आ गई और निगाहें निगाहों से टकरा गई और तेरे ऐसा लगा। और ये भैया जी गाना गा रहे हैं या इनको टट्टी लगी पता ही नहीं चल रहा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो अगर सिंगर्स की बात आ ही रही है तो ये भैया जी कैसे छूट सकते हैं? देखिए ये टैलेंट इंडिया के बाहर नहीं जाना चाहिए पहले ही बता देता हूँ। समझ रहे हो भाई? रानू मंडल ने तो कच्चा बादाम गाने की इज्जत ही लूट डाली बे। हमारी रानू मंडल भुवन से कम है के ये क्या है? मार साले का खोपड़ी तोड़ रहे खोपड़ी तोड़।